बदहाल रास्ते को अविलंब बनाने की मांग को लेकर माकपा सरमंथों ने सड़क पर सोकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस को भी घेर कर माकपा सरमंथों ने विरुद्ध जताया। उल्लेखनीय है कि लंबे अरसे से कौन नगर स्टेशन रोड से दिल्ली रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ने वाली सड़क दुर्दशा की मार झेल रही है, जिसे चलते अक्सर इस रोड पर हादसे पेश आते हैं। बार बार पंचायत और प्रशासन को अवगत करवाए जाने बाद भी चौतरफा विकास की तार ढोलने वाले तृणमूल नेताओं को इस सड़कों की सुंग तक लेने का समय नहीं है। सड़क में जगह जगह बड़े खड्डे हैं और बारिश के मौसम में जल जमाव होने से अक्सर ही साधारण लोग हादसे का शिकार होते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को ठेरों समस्या झेलनी पड़ती है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र अक्सर हादसे का शिकार होते हैं। यहाँ तक कि मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस रह जाती है। लगभग 5 किलोमीटर रास्ते की हालत जर्जर है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी गई है कि समय से पहले रास्ते की मरम्मत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे लोग बृहदंतम आंदोलन पर उतर आएंगे।